कुदरत का कहर जब विनाशकारी रूप ले लेता है तब किसी का कोई जोर नहीं लगता। इन तस्वीरों में जो आदमी आपको दिखाई दे रहा होगा वो भी कुदरत के जाल में फंसा हुआ है। एक बार फिर से देखिए कैसे ये शख्स कमर के ऊपर तक पानी में फंसा हुआ है। दरअसल पथ निर्माण विभाग के द्वारा उसरी नदी पर पुल निर्माण कार्य का जिम्मा एक निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। निर्माण कार्य जारी था तभी अचानक जल स्तर में इजाफा हुआ और पुल निर्माण के कार्य में लगा ट्रैक्टर उसरी नदी के तेज बहाव में फंस गया। ट्रैक्टर निकालने के लिए ड्राइवर घंटों मशक्कत करता रहा लेकिन ट्रैक्टर तस से मस नहीं हुई, उल्टा इस चक्कर में वो खुद भी फंस गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो तैर कर भी नदी पार नहीं कर सकता था। घंटों फंसे रहने के बाद पुल निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों ने बड़ी मशक्कत से पोलकीन के सहारे ड्राइवर को बचाने का कार्य शुरू किया। लेकिन ये भी आसान नहीं था क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज था, इसलिए पोलकेन को भी इस व्यक्ति को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार श्रमिकों की मदद से व्यक्ति को सुरक्षित निकाला जा सका। बाद में ट्रैक्टर को भी निकाल लिया गया। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण झारखंड के कई इलाकों में नदियों के जलस्तर में इजाफा हुआ है और गिरिडीह की उसरी नदी भी उन नदियों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।